संख्या में आपकी मौजूदगी इस विश्वास को और प्रगाढ़ करने के प्रति आपकी जो उम्मीद है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए हम सब बहुत प्रतिबद्धता और मनोयोग से जुटे हुए हैं। आपका सहयोग और आपके साझे रिश्ते के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगी। साथ ही साथ आपको अवगत कराऊंगी कि ये जो जन चौपाल का आयोजन है, अभी तक हम लोग लगातार अंत था जून एंड में, तब से शुरुआत हुई लगातार ये कार्यक्रम जोक्स में, और आज हम लोग इस दूरस्थ ब्लॉक में आए हैं और ये निरंतर सभी ब्लॉक्स में इसको पूरा हम लोग आयोजित करेंगे और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप जिस समस्या को लेकर के जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाते थे उसको अगर हम लोग यहीं पर निदान प्रदान कर सकें, उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनको प्रभावी निर्देश दे सकें कई समस्याओं के बारे में, कई समस्याओं की उत्पत्ति इस कारण से होती है कि उसमें जो कार्य योजना बनी हुई है वो आपको पता ही नहीं चलती कि क्या काम कार्य योजना में रखा गया है, सूचीबद्ध किया है, कब तक होगा। तो इन चीज़ों को स्पष्टता से क्लियर करने के लिए, एक पारदर्शीपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन ग्राम चौपाल के आयोजन में हम लोगों ने एक अच्छी प्रगति हासिल की है। और अलग अलग तरीके के थे जिसमें कुछ जर्जर तारों के बिंदु थे, कहीं पर PHC जो है उसमें डॉक्टर्स की उपस्थिति का राजकीय महाविद्यालय है वो क्रियाशील नहीं हो पाया है। इन सारे मांग आधारित के बारे में आप लोगों ने अलग अलग अधिकारियों से सुना, जल जीवन मिशन के बारे में सुना, DIOS महोदय ने बताया कि राजकीय विद्यालय अगले सत्र से शुरू हो पाएगा, इस सत्र में कुछ काम बाकी रह गया था, उसमें एडमिशन्स नहीं हो पाए हैं।